ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आज बच रहे हैं सुबह की 5 बजे। सो कैसे हो? देखो आज दिन कैसे अच्छे बीच है। यहाँ से हम जा रहे हैं दिल्ली। SMK का हेलमेट, बाइकिंग ब्रदरहुड गियर का जैकेट, बहुत अच्छा जैकेट है ये मेरा। और ये है मेरे स्किम्प्टिक का राइडिंग पैंट्स। ये पैंट्स मेरे को बहुत अच्छे लगे, बहुत टाइम के बाद इसको पहनने वाला हूँ। इधर मैं अपना DSLR कैमरा लेकर जा रहा हूँ। और ये मेरा दूसरे एक्सेसरीज जो जिसमें मेरा माइक रहेगा, ट्राईपॉड रहेगा, सब कुछ रहेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई जस्ट सेड दैट इन द मॉर्निंग ऑलरेडी। सो टुडे वी आर गोइंग टू दिल्ली एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट राइड फॉर मी। इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, सो आई विल बी गोइंग एंड एंजॉयिंग विद माय फ्रेंड्स एंड ऑल। आज का मौसम बहुत अच्छा है, बस आई होप आज का दिन बारिश ना आए। और अपना हार्ले वापस ऐसे चला के मज़ा आ गया, पूरी तरह से मज़ा आ गया मुझे। अच्छा गाइस, इफ यू वांट, मैं अपना हार्ले डेविडसन पे एक ओनरशिप रिव्यू बनाना चाहूँगा। अगर किसी को अगर पसंद है ये ओनरशिप रिव्यू, तो अगर जानना है हार्ले डेविडसन पे मुझको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं बहुत जल्दी एक इस पर एक अच्छा सा रिव्यू बनाऊंगा, माय ओन ओनरशिप रिव्यू, माय ओन एक्सपीरियंस, दैट मुझको कैसे लगा ये बाइक, क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या इसमें तकलीफ हुआ, इसकी प्रोज एंड कॉन्स में, और क्या खर्चा आ रहा है इसमें पेट्रोल का, माइलेज कितना दे रही मुझे, सब मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग चल, अभी बज रहे हैं सुबह की 6 बजे, मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। तो चलो फिर, आप तब तक रोड की मज़े लीजिए और हम लोग तब तक पहुँचते हैं इंडिया के। Okay guys, so now my friend over there, he's somewhere in front, so I'm going there to meet him, then we'll go to CP.
अब हम अनवेट भाई पहुंच गए। आपका बाइक अभी भी चल रहा है फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास चल रहा है अभी भी बाइक? मैं तो यूएम से हट के इसमें आ गया अब। बिल्कुल कमांडो जैसी फीलिंग आती होगी। बिल्कुल वही उसी हाइट की है ना? हाँ उसी हाइट की है। मुझे कहते हैं यही हाइट अच्छा लगता है। पर हाँ ये ज़्यादा परफॉर्मेंस है इसका। हाँ बिल्कुल। साल भर हो गया? हाँ साल भर हो गया इसका। और कमांडो क्या है? कमांडो तो घर में रखा है, कोई खरीदेगा नहीं, कोई कुछ नहीं होगा। बिल्कुल R15 V3 फर्स्ट क्लास है, वो मैं लोकल के लिए यूज़ करता हूँ। हाँ बिल्कुल। आपने 3 साल में 3 गाड़ियाँ बदल दी? अरे मैं पता नहीं, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने कितना 20 लाख से ऊपर खर्चा होगा बाइक्स पे। ये स्पोर्ट्सर है ना? हाँ ये ज़्यादा बेटर है इसकी सीट पीछे वाली की। जी वो वाले दूसरी वाली एक जो आती है ना स्ट्रीट जो है वो स्लोप नीचे की तरफ है। बिल्कुल बैठेगा तो लगेगा पीछे जा रहे हैं। हाँ इसमें हालांकि सीट बहुत पतला, वो वर्थ नहीं है, जो बैठेगा उसका तो लाल हो जाएगा पीछे। बिल्कुल नहीं, मैं खुद का कस्टमाइज करवा रहा हूँ। थोड़ा सा कुशन और बढ़ जाता ना उसमें। हाँ नहीं मैं क्या कर रहा हूँ ना, एक सिंगल सीट है जो पीछे का भी कंफर्ट है और नीचे का भी कंफर्ट हो। जितना ये है ना इतना ही थोड़ा सा और हो जाए। हाँ तो पिलन के लिए आसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो होगा। ये किसे लगाया हुआ है इसको सपोर्ट के लिए? अरे नहीं नहीं ये जैसे का कभी बैग वैग लगाने के लिए कोई चीज ना। स्टडी है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है।